मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कल अपन ने अपनी 17.3 की प्रश्नावली पूरी कर ली थी। आज अपन 17.4 की शुरुआत करें तो 17.4 के प्रश्नावली 17.2 और 17.3 पे आधारित है। अपन ने 17.2 में क्या पढ़ा था? अवर्गीकृत बारंबारता, और 17.3 में वर्गीकृत बारंबारता। इन दोनों से अपन ने माध्य ज्ञात किया था, और वो माध्य ज्ञात करने की थी अपनी कौन सी विधि? प्रत्यक्ष विधि। प्रत्यक्ष विधि क्या थी कि x बार बराबर सिग्मा एफ आई एक्स आई बटा सिग्मा एफ आई। अब अपन ज्ञात करेंगे अवर्गीकृत बारंबारता और वर्गीकृत बारंबारता की दो विधियों से माध्य कौन कौन सा? कल्पित विधि से और पग विचलन विधि से। अवर्गीकृत बारंबारता वाली केवल कल्पित विधि से ज्ञात होगी, और वर्गीकृत बारंबारता वाली दोनों ही विधियों से ज्ञात हो सकती है। तो कल्पित विधि क्या होती है? कल्पित विधि होती है कि डी बार का या डी बार के प्रयोग से एक्स बार ज्ञात करना, यानी डी बार के प्रयोग से एक्स बार ज्ञात करना। एक्स बार क्या होता है? अपना माध्य होता है। पग विचलन विधि क्या होगी? यू बार के प्रयोग से एक्स बार का मान। तो यू बार से क्या ज्ञात करेंगे? एक्स बार। एक्स बार अपना क्या हो गया? माध्य हो गया। तो इनके क्या सूत्र होते हैं? तो वो सूत्र देखिए, कल्पित विधि से माध्य, तो आपका x बार बराबर होगा ये होगा a प्लस डी बार। क्या होगा? a प्लस डी बार। और जहाँ डी बार बराबर होगा सिग्मा एफ आई डी आई बटा सिग्मा एफ आई, और डी आई बराबर होगा क्या? एक्स आई माइनस ए, और ए बराबर होगा एक्स आई में सम पद हैं तो बीच के दो में से कोई भी एक, और अगर एक्स आई में विषम पद हैं तो बीच वाला एक। ये तो अपना कौन सा सूत्र था? एक्स बार कब? कल्पित विधि से। अब अपन करेंगे क्या? पग विचलन से माध्य, तो सूत्र होगा एक्स बार बराबर ए प्लस यू बार गुणा एच, और यू बार बराबर सिग्मा एफ आई यू आई बटा सिग्मा एफ आई, और यू आई बराबर एक्स आई माइनस ए बटा में एच, और ए तो जो अभी आपने लिखा था वो का वो, एच क्या हो जाएगा? एक्स आई में वर्ग अंतरा। क्या हो जाएगा? एक्स आई में वर्ग अंतराल। ये दो सूत्र प्रयोग होंगे अपने 17.4 में। तो अब अपन इन सूत्रों को उदाहरणों की सहायता से समझते हैं। अब देखिए, अपना एग्जांपल नंबर एक है कि एक्स आई और एफ आई दे दी, तो इसको आपको माध्य ज्ञात करना है। अब वो आप पे डिपेंड करेगा कि आप कौन सी विधि से ज्ञात करते हो। अगर प्रश्न में दिया हुआ है कि प्रत्यक्ष से या कल्पित से या पग विचलन से ज्ञात कीजिए, तो जो कंडीशन दी होगी उसी पे अपन को ज्ञात करना पड़ेगा। और अगर यदि नहीं दिया हुआ है तो आपको आपकी मनमर्जी से करना है परीक्षा में। अब यहाँ पे तो अपन 17.4 चल रही है, तो अपन को दो विधि पता है, एक तो कल्पित विधि और एक पग विचलन विधि। तो इसमें देखिए दोनों विधि लग सकती हैं, लेकिन वर्ग अंतराल दिया हुआ है, क्योंकि देखिए
पाँच से दस, दस से पंद्रह, बीस, पच्चीस, तीस, पैंतीस, चालीस, पैंतालीस, पचास, सभी में क्या डिफरेंस है? पाँच का डिफरेंस है। तो अपन क्या कर सकते हैं, पर पग विचलन विधि का प्रयोग कर सकते हैं। तो यह प्रश्न मैं करूँगा पग विचलन से। तो पग विचलन में अपन ने सूत्र क्या पढ़ा था, एक्स बार बराबर ए प्लस यू बार गुणा एच। पहले अपन यू बार ज्ञात करेंगे, तो सिग्मा एफ आई यू आई बटा सिग्मा एफ आई और यू आई बराबर क्या था, एक्स आई माइनस ए बटा में एच। तो पहले अपन यू आई ज्ञात करेंगे कि एक्स आई में से ए घटाएंगे और एच का भाग देंगे। तो अब अपना ए कितना है और एच कितना है, तो देखिए एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस, कितने हैं, दस मान हैं। दस क्या होते हैं, सम। तो बीच के दो ले लीजिए, एक दो तीन चार, ये दोनों बीच के ले लीजिए। अब आप इन दोनों में से जो भी आपको अच्छा लगे वो आप एक का मान ले लीजिए। जैसे मैंने कितना ले लिया, तीस ले लिया। एच डिफरेंस अभी में कितने का चल रहा है, पाँच का चल रहा है। तो अब अपन ज्ञात करेंगे क्या, यू आई, और यू आई क्या था, एक्स आई माइनस ए भाग में एच। तो इसमें से ए घटाएंगे और पाँच का भाग देंगे, तो पाँच में से तीस गया पच्चीस, पाँच का भाग दिया तो माइनस पाँच, दस में से गए तीस तो बीस माइनस चार, पंद्रह में से गए तो पंद्रह माइनस का तीन माइनस का दो माइनस का एक, जीरो एक दो तीन और चार, यानी तीस में से पचास में से तीस जाएंगे प्लस के बीस, बीस में पाँच का भाग देंगे तो चार। फिर ये तो अपना आ गया यू आई। अब अपन को चाहिए सिग्मा एफ आई यू आई। तो पहले अपन ज्ञात करेंगे एफ आई यू आई, तो बीस पंजू माइनस के सौ, और ये माइनस के चार तिया बारह, चार चौक सोलह और एक सत्रह, पिचहत्तर तिया पाँच तिया पंद्रह, सात तिया इक्कीस और एक बाईस, दो सौ पच्चीस, सड़सठ दूनी सात दूनी चौदह, छः दूनी बारह और एक तेरह, माइनस का बहत्तर, जीरो, उनचालीस, अठारह, चौबीस और चौबीस, ये आ गया। अब इन दोनों का करना है अपन को योग। तो आप इसका योग क्या करेंगे, पहले माइनस वाली संख्या को जोड़ दीजिए, फिर प्लस वाली संख्या को जोड़ दीजिए। तो दो और पाँच सात, चार ग्यारह, बारह तेरह का तीन असल पाई एक, सात तीन दस, दो बारह और सात उन्नीस और एक बीस की जीरो असल पाई दो, एक और दो तीन और एक चार और एक पाँच और दो सात, तो माइनस के सात सौ तीन, प्लस के चार चार आठ आठ सोलह, नौ पच्चीस का पाँच असल पाई दो, तीन और एक चार दो छः दो आठ दो दस एक सौ पाँच। तो सोल्व करोगे कितना आ जाएगा, तेरह में से पाँच गए तो आठ, और ये कितने बचे उनहत्तर, उनहत्तर में से दस गए तो उनसठ, यानी कितने आ गए पाँच सौ अट्ठानवे माइनस के। इनका योग कीजिए, आठ और छः चौदह, चौदह और नौ तेईस, तेईस और नौ बत्तीस, पाँच सैंतीस, अड़तीस उनचालीस और सात छियालीस, छियालीस और पाँच इक्यावन और तीन चौवन का चार असल पाई पाँच, चार और तीन सात और सात चौदह, सात या इक्कीस और छः सत्ताईस और चार इकतीस, बत्तीस तैंतीस, तैंतीस और पाँच अड़तीस, कितना आ गया तीन सौ चौरासी। अब ये सारे मान अपन पहले यू बार में लिखते हैं, तो यू बार का मान क्या जाएगा, माइनस का पाँच सौ अट्ठानवे बट्टा तीन सौ चौरासी, दो से कटता है तो काट दीजिए, एक सौ बानवे, दो दुनी चार, नौ दुनी अट्ठारह और नौ दुनी अट्ठारह, माइनस के दो सौ निन्यानवे बट्टा एक सौ बानवे, ये किसका मान आ गया अपना यू बार का, दो सौ निन्यानवे बट्टा एक सौ बानवे। ये मान अपने इसमें रखिए, तो एक्स बार बराबर क्या होगा, ए का मान तीस प्लस यू बार का मान माइनस का दो सौ निन्यानवे बट्टा एक सौ बानवे गुणा एच का मान पाँच, तो ये तीस माइनस दो सौ निन्यानवे बट्टा एक सौ बानवे और गुणा में पाँच, तो लघुत्तम आएगा एक सौ बानवे। तो जीरो, तीन दुनी छः, नौ तिया सत्ताईस, तीन एकम तीन और दो पाँच, माइनस नौ पाँचों पैंतालीस का पाँच असल पाई चार, नौ पाँच पैंतालीस और चार उनचास असल पाई चार, पाँच दून दस और चार चौदह,
जीरो में से पाँच गया पाँच, छः में से यानी पंद्रह, ये पंद्रह हो गए, पंद्रह में से नौ गए तो छः, ये छः में से चार गए तो दो, और पाँच में से एक गया तो चार, बट्टा एक सौ बानवे। एक सौ बानवे का बयालीस पैंसठ में क्या दे लीजिए, भाग दे लीजिए। तो देखिए मैं भाग देता हूँ, बयालीस पैंसठ में एक सौ बानवे का, तो दो बार गया, दो दुनी चार, नौ दुनी उन्नीस, दुनी अड़तीस हो जाएगा सीधा सा। तो दो और ये चार बयालीस, फिर पाँच, फिर दो तो वही तीन सौ चौरासी, एक और चार, फिर पॉइंट तो जीरो, वही दो तीन सौ चौरासी, यानी अपना आंसर कितना आ जाएगा, बाईस पॉइंट दो। ये हो गया अपना एग्जाम्पल नंबर एक। ये हो गई अपनी कौन सी विधि, पग विचलन विधि। आप यहाँ पे लिख सकते हो क्या, पग विचलन विधि। अब देखिए एग्जाम्पल नंबर दो। इस एग्जाम्पल को आप देखेंगे तो आप कर सकते हैं इस एग्जाम्पल को कल्पित विधि से। क्यों, क्योंकि यहाँ पे डिफरेंस देखिए, सड़सठ और तीन सत्तर, सत्तर दो बहत्तर, एक तिहत्तर और दो पिचहत्तर, यानी अंतराल क्या है, समान नहीं है। तो अपन लेंगे कल्पित विधि, और कल्पित विधि क्या थी, x बार बराबर a प्लस d बार, और d बार बराबर क्या था, सिग्मा एफ आई डी आई बटा सिग्मा एफ आई, और डी आई बराबर क्या था, एक्स आई माइनस ए। तो ए का मान देखिए, एक दो तीन चार पाँच विषम हो गए, तो एक एक दो दो, ये बीच वाला मान कितना, ये मान बहत्तर, बहत्तर ले लिया। तो देखिए अपन ज्ञात करेंगे डी आई, और डी आई क्या था, एक्स आई में से ए घटाना है, सड़सठ में से बहत्तर गए, माइनस के पाँच, माइनस के दो, जीरो एक और तीन, ये आ गए। अब अपन करेंगे एफ आई गुणा डी आई, तुम पाँच चौके बीस, तीन दुनी छः, जीरो दो और तीन, इनको जोड़ोगे तो माइनस का छब्बीस प्लस का पाँच कितना आ जाएगा, माइनस का इक्कीस, इनको जोड़ोगे तो दो और एक तीन, दो पाँच तीन आठ चार बारह। तो अपना डी बार का मान माइनस का इक्कीस बट्टा बारह, यानी माइनस के सात बट्टा चार, तीन से काट दिया, तीन चौके बारह, सात या इक्कीस, ये मान यहाँ पे रखेंगे। तो एक्स बार बराबर ए का मान कितना था, बहत्तर प्लस माइनस के सात बट्टा चार, तो बहत्तर माइनस सात बट्टा चार। तो देखिए चार आया लघुतम, चार दुनिया आठ, सात चौके अट्ठाईस, माइनस सात तो दो सौ इक्यासी बट्टा चार, सात चौके अट्ठाईस, जीरो पॉइंट चार दुनिया आठ, सत्तर पॉइंट दो। आगे अपना एग्जाम्पल नंबर दो का माध्य। अब देखिए उदाहरण नंबर तीन में, ये अपन करेंगे कौन सी विधि से, पग विचलन से, क्योंकि सभी में डिफरेंस कितने का है, 400। तो पग विचलन यानी x बार बराबर a प्लस u बार गुणा h, u बार बराबर तो a और h का मान, h का तो डिफरेंस कितने का है, 400 का, a छः है, तो बीच के दो में से आप कोई भी ले लीजिए इनमें से। तो जैसे मैंने ले लिया 1400 ले लिया, चलो उसमें नीचे वाला लिया था, इसमें ऊपर वाला ले लेते हैं, हजार ले लेते हैं। यू आई, यू आई क्या होगा कि एक्स आई में से एक घटा के एच का भाग दे दीजिए, तो 200 में से हजार गए, माइनस के 800, 400 का भाग दिया माइनस का दो, 600 में से हजार गए, माइनस के 400, 400 में 400 का भाग दिया माइनस का एक, जीरो, ये 400 तो एक दो और तीन ही आ गया। अब अपन ज्ञात करेंगे एफ आई गुणा यू आई, तो दो दुनी चार, चार दुनी आठ और दो एकम दो, और माइनस के 265 ही, ये जीरो, ये 271, ये नौ दुनी अठारह, आठ दुनी सोलह और एक 17, और ये 16 32, 16 3 48, माइनस की जोड़ दीजिए, पाँच और चार नौ, आठ और छः 14, और दो दो चार एक पाँच, 549, और प्लस के कितने आएंगे, आठ आठ 16 और एक 17,
सात सात 14, चार 18 और एक 19, दो और एक 3 और एक 4, कितने बचे? 2 और ये बचे 5, कितने माइनस के? 52। इनका योग कर लीजिए, इनका योग करोगे तो 5 और 2 7 और एक 8 9 17, 17 और 6 23 का 3 असल पाई 2, 4 और 6 10, 6 16, 16 और 7 23, 23 और 8 31 और 1 32 और 2 34 का 4 असल पाई 3, 1 और 2 3 और 5 8 और 2 10 और 3 13, 1343। तो अपना U बार का मान आ जाएगा माइनस का 52 बटा 1343। तो X बार क्या होगा? 1000 प्लस माइनस के 52 बटा 1343 और गुणा में 400। तो लघुत्तम आएगा कितना? 1343। तो इसको 1000 से गुणा करोगे तो 1343 और 1000 माइनस का आ जाएगा 3, 0 0, 4 दुनी 8 और 5 चौके 20। घटाइए 0 0। अब देखिए 10 में से 8 गए तो 2, और 2 में से 0 गया तो 2, और 4 में से 2 गया तो 2 और 13, तो ये कितने आ गई? 13 22 200 भाग में 1343। अब इसमें आप भाग दोगे तो कितनी बार जाएगा? तो देखिए अपन भाग दे के देख, 13 22 200 में 1343, तो इसमें तो जाएगा नहीं, पूरी संख्या ले ली तो 9 से करके देखिए, 9 3 27 का 7 असल पाई 2, 9 4 36 37 38 असल पाई 3, 9 3 27 और 3 30 की 0 असल पाई 3, 9 1 9 3 12। तो 12 में से 7 गए 5, 11 में से 8 गए 3, 1 में से 0 गया 1 और 1 1135, 10 ले लिया। 8 से करके देखिए, 8 3 24 का 4 असल पाई 2, 8 4 32 और 2 34 असल पाई 3, 8 3 24 और 3 27 असल पाई 2, 8 1 8 और 2 10। तो 10 में से 4 गए 6, 4 में से 4 गए 0 और 13 में से 7 गए 6 600 6, 10 ले ली। अब 13 4 52, 13 5 65, 4 वापसे देखिए, तो 4 3 12 असल पाई 1, 4 4 16 और 1 17 असल पाई 1, 4 3 12 और 1 13 असल पाई 1, 4 1 4 और 1 5, तो यह आ जाएगा 8 और ये 15 में से 7 गए तो 8 और 59 में से 53 गए तो 6 688.0। अब 5 बार दे लीजिए, 5 3 15 का 5 असल पाई 1, 5 4 20 और 1 21 असल पाई 2, 5 3 15 16 17 असल पाई 1, 5 1 5 और 1 6, तो ये अपना कितना आ जाएगा? 900। आंसर कितना आ जाएगा? 984.5। ये हो गया अपना एग्जाम्पल नंबर 3। अब देखिए एग्जाम्पल नंबर 4, वर्गंतराल दे दिया, एफ आई दे दी, विधि वर्गंतराल दे दिया, तो आपको पता ही है कौन सी? पग विचलन क्या था? x बार बराबर a प्लस u बार गुणा h, u बार बराबर सिग्मा एफ आई यू आई बटा सिग्मा एफ आई, यू आई बराबर एक्स आई माइनस a बटा में h, तो a का मान और h का मान। वर्गंतराल है, पहले आप एक्स आई ज्ञात कर लीजिए, 5 15 25 35 और 45, यानी इनके बीच की। अब अपन क्या ज्ञात करेंगे? यू आई, यू आई क्या होगा? एक्स आई में से ए घटके एच का भाग, 1 2 3 4 5 विषम है तो आप क्या ले लेंगे? 25 ए का मान, और एच का मान डिफरेंस पता ही कितना चल रहा है? 10। तो 5 में से 25 गए, कितने बचे? 20, 20 में 10 का भाग दिया, माइनस 2 माइनस 1 0 1 और 2। अब अपना एफ आई यू आई, 7 2 14 10 1 10 0 8 1 8 10 2 20, तो ये तो हो गए माइनस के 24 और ये हो गए प्लस के 28। तो अब क्या अपना कितना बचा? प्लस का 4, इनका योग करोगे तो 10 और 8 18 18 और 10 28 और 5 33 10 43 7 50, तो अपना यू बार क्या आ जाएगा? 4 बटा 50। तो एक्स बार बराबर ए का मान 25 प्लस
चार बटा पचास गुणा दस, जीरो से गए जीरो, लघुतम आया पाँच, 125 प्लस चार तो 129 बटा पाँच, तो पाँच दूनी दस, बचे कितने दो, पाँ पाँ 25, बचे कितने चार, और आठ पाँच 40, कितने आ जाएंगे 25.8। ये हो गया अपना एग्जाम्पल चार।